गाइज वन ओ इसका लेटेस्ट वर्जन हमको देखने को मिल गया है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी वैसे तो ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ भी मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली चीज़ें, और कुछ बग्स भी यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो यही है कि चाइना से लिया गया है, तो चाइना के अंदर आपको अभी पता है एनिमेशन काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो एनिमेशन यहाँ पर काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, होम स्क्रीन वाले एनिमेशन। उसके अलावा यहाँ पर ये बात करें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, मतलब ये वाले रिसेंट वाले एनिमेशन यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सेटिंग के अंदर चलते हैं फटाफट से, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वन ओ एस यहाँ पर मैं कौन सा इंस्टॉल करके बैठा हूँ। तो 21.7.12 यहाँ पर जो लेटेस्ट जो यहाँ पर बिल्ड निकल के आ रहा है, 12.6 का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर MIUI 12.6, और साथ ही में जो यहाँ पर वर्जन है वो है 21.7.12 जो कि ऑफिशियल है। जी हाँ दोस्तों, वीकली बिल्ड है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, और बहुत मैं इसको जो अपने रेडमी नोट 8 में यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर लैग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर सेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बेशक से हमें थोड़े बहुत लैग्स यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक हल्का बैकअप जाते हैं ना तो एक स्टटर सा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक नई चीज़ को इंप्लीमेंट किया गया है जिसके बारे में मैं आपको बता दूँ, तो वह साउंड इफेक्ट में आप लोग जाएंगे तो साउंड इफेक्ट के अंदर ना दोस्तों आपको यहाँ पर हार्मन कार्डन जो सर्टिफाइड प्रो ऑडियो होता है वो देखने को मिल जाएगा आपको। बट ये अगर आप ईयरफोन्स वगैरह जो है लगाते हैं इसमें तो तब वो सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ स्पीकर के लिए जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है। प्लस मैंने यहाँ पर कोई मेजर जो है यहाँ पर नोटिस नहीं की चीज़, तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई साउंड काम भी कर रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क यहाँ पर स्पीकर के अंदर देखने को नहीं मिला। तो मे भी शायद कर भी रहा होगा काम, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स भी जो है यहाँ पर फिक्स की गई है, और कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, एक सेकंड लगा रहा है कहीं भी मैं टच कर रहा हूँ तो उसके बाद एक सेकंड बाद खुल रहा है। सो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ मुझे जो है चुभ रही है यहाँ पर। उसके अलावा अगर और चीज़ों के बारे में बात करें तो बेस्ड ऑन लेटेस्ट बिल्ड है, और इसका एक और यू का भी 12.21.7.14 आ गया है, तो उसके ऊपर भी जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्या कुछ यहाँ पर नया है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ ये कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ऑप्टिमाइज़ कर दिया है परफॉर्मेंस को 20%, जो कि यहाँ पर यूज़लेस बात है। और इसी के अलावा साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, जो कि हार्मन कार्डन वाला ये कह रहे हैं, तो मे भी शायद यहाँ पर किया होगा। उसी के अलावा इन्होंने जो है अननेसेसरी जो सिस्टम लॉक्स होते हैं उनको डिसेबल कर दिया है। स्लाइटली इम्प्रूवमेंट इन बैटरी, तो बैटरी कंजम्पशन के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती है। उसी के अलावा यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट किए गए हैं ग्राफिक्स में, जो कि यहाँ पर डिमांडिंग, मतलब जैसे कि पबजी वगैरह जो है जो ग्राफिक डिमांडिंग जो गेम्स होती है उसके लिए यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। बट यहाँ पर हार्मन कार्ड ऑडियो फॉर यूज़ विद हेडफोन फॉर ऑल, बट ये काम नहीं कर रहा है गाइस। मैं एक सेकंड में आपको बता देता हूँ दिखा के, है ना, कोई मेरे पास ईयरफोन वगैरह हो अभी तो मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारे पास एक जो मैं गेमिंग करता हूँ जिससे, है ना, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। और जैसे मैं इसको लगाता हूँ ना तो आप हार्मन कार्डन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर साउंड के अंदर चलता हूँ मैं, साउंड्स के अंदर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एक नया फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पर डिसेबल है, और जैसे मैं यहाँ पर अपने ये निकालता हूँ ईयरफोन, ये वापस से इनेबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको वापस लगाता हूँ, और हेडफोन में तो मुझे यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर फ़र्क नहीं दिखाई देता। इक्वलाइज़र एक्टिवेट हो गया और वहाँ पर वो डिसेबल हो गया है, हार्मन कार्डन वाला जो फीचर है वो डिसेबल इन्होंने कर दिया है। सो ये मुझे काफ़ी मतलब शॉकिंग चीज़ लगी कि हाँ भाई हार्मन कार्डन को यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ करने दिया जा रहा है। सो ये यहाँ पर इनका जो है बिल्कुल आप कह सकते हो जो बग है एक तरीके का। सॉरी भाई, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं मुझे, सो इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर भी गिर गया है। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपका भाई आपके लिए। तो अभी यहाँ पर जो है और चीज़ों के बारे में हमने थोड़ी सी नहीं देखा था, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। MIUI खुल जा भाई, यहाँ पर 3 डॉट व्हाट इज़ न्यू। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको और भी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती है। नथिंग रिमार्केबल, वेरी फ्यू चेंजेस बाय Xiaomi, तो Xiaomi की तरफ से कोई बहुत ही मेजर चेंज यहाँ पर नहीं किया गया था, तो ये कुछ यहाँ पर चेंजेस आपको जो है मेजरली देखने को मिल जाते हैं। और एक ये फिक्स भी किया गया था जो कि आप लोग ऊपर पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर चेंजेस हैं गाइस अभी वन ओ एस के अंदर। डेफिनेटली आपको अपग्रेड करके देखना चाहिए अगर आप यहाँ पर चाहते हैं वन ओ एस को अपग्रेड करना। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, और अगर आपको डेडिकेटेड नोट 8 के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल तो ये सारी
सारी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है वन ओएस। जिन भी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर चेंज लॉक को ही मेंशन किया है, कोई ऐसा विजिबल चेंज मेरे को अभी तक नहीं देखने को मिला, इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ वीडियोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको ये पसंद है तो आप ये भी जाकर देख सकते हो। बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।